दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप मैच में पूरी तरह धोया और भारत को पाकिस्तान को हराने के लिए 195 रन बनाने थे और इसके बाद भारत की टीम ने कर दिया जबरदस्त कमाल। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां दोस्तों इस स्टेडियम में पूरे 1,00,000 से ज्यादा दर्शक इस मुकाबले को देख रहे थे और पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी तो फिर इसके बाद पाकिस्तान की टीम की खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पूरी टीम इस मुकाबले में केवल 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे और पाकिस्तान की पूरी टीम तो पूरे 50 ओवर तक नहीं खेल पाई। पाकिस्तान केवल 43 ओवर ही खेल पाया था, जहां पाकिस्तान की तरफ से उनके कप्तान बाबर आजम ने 50 रनों की शानदार पारी खेली तो मोहम्मद रिजवान ने 49 रन की पारी खेली तो इमाम उल हक ने 36 रन बनाए थे। दोस्तों इन तीन बल्लेबाजों को छोड़ दे तो फिर पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया, जहां पाकिस्तान के 3 विकेट 155 रन के स्कोर पर गिरे थे। लेकिन दोस्तों अगले 7 विकेट एक के बाद एक करके 191 रन के स्कोर पर गिर गए और इसी तरह पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो बैठे, जहाँ भारत की गेंदबाजी इस मैच में काफी कमाल की रही। यार दोस्तों जसप्रीत बुमराह इस मैच में और मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी और दोस्तों भारत की टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी करी। और जब इसके बाद वह भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल टारगेट का पीछा करने उतरे तो जहां कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया था तो सुमन गिल ने भी अपनी पारी की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया था, जहां दोस्तों इन दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 23 रन के स्कोर पर सुमन गिल एक शानदार चौका जड़ने की कोशिश में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारत को पहला झटका साइन अफ्रीदी ने दिया था। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे थे और दोस्तों विराट कोहली एक के बाद एक चौके मार रहे थे और दोस्तों रोहित शर्मा का बल्ला तो इस मैच में आग उगल रहा था, क्योंकि दोस्तों वो एक के बाद एक करके बड़े छक्के जड़ रहे थे, जिससे भारत का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। और इसी बीच विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच 10वीं ओवर में हसन अली की गेंद पर विराट कोहली एक छक्का जड़ने की कोशिश में 16 रन बनाकर आउट हो बैठे तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने सिराज और उतरे थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 30 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे, जहां इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा अपने शतक की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ सिराज अय्यर भी कमाल किले में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे, जहां इसके बाद भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए बेहद कम रनों की जरूरत थी। तभी रोहित शर्मा एक गलत शॉट खेलकर आउट हो बैठे और वो अपने शतक से चूक गए और भारत के तीसरा झटका 156 रन के स्कोर पर साइन अफ्रीदी ने दिया और कप्तान रोहित को आउट कर दिया और रोहित शर्मा 63 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौके की मदद से 83 रनों के शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल उतरे थे और एक तरफ श्रेयस अय्यर का बल्ला इस मैच में आग उगल रहा था। इस मैच में उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद भारत का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और भारत की टीम ने यह मुकाबला 31 ओवर में ही जीत गया और यह मुकाबला श्रेयस अय्यर ने चौका जड़कर भारत को जिता दिया। और दोस्तों अय्यर ने चौका मारकर ही 53 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे तो केएल राहुल ने 19 रन बनाए थे और वो भी नॉट आउट रहे थे और भारत का ये वर्ल्ड कप का मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों जाते जाते प्लीज वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।